बेतिया पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड के गोपालपुर थाने में आज एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा आज बेतिया जिले के गोपालपुर थाने का अचौक निरीक्षण किया गया। थाना अध्यक्ष राजरूप राय के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की तथा लंबित कांडों की जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। आज गोपालपुर थाने का निरीक्षण किया गया है। ये एक्चुअली रूटीन इंस्पेक्शन का कार्य है, जिसमें थाना के जो सारे डॉक्यूमेंट है, अभिलेख हैं, उनके रखरखाव को देखा जाता है और उसका अद्यतन किया गया है या नहीं, उसकी भी इंस्पेक्शन की जाती है। इसके अतिरिक्त थाने की जो कार्य प्रणाली है, अन्य सभी कार्य जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन को लेकर क्या किया गया है, अनुसंधान की स्थिति क्या है, इन सभी के ऊपर डिटेल्ड रिव्यू की गई है और निर्देश भी दिया गया है। जहाँ जहाँ कुछ कुछ कमियाँ पाई गई हैं उसको इमीडिएट सुधारने के लिए निर्देश दिया गया है और कहीं कहीं अच्छा भी कार्य हुआ है, उसके लिए इनको शाबाशी भी दी गई है। तो कुल मिला के एक थाना का जो फंक्शनिंग है उसको लेके ये निरीक्षण किया गया था और आगे भी ये अभी निरीक्षण का कार्य अन्य जिले के अन्य। R9 भारत के लिए रीजेंट गिरी की रिपोर्ट सिकटा से। खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से आ रही है, जहां प्रखंड के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अब इंतजार की घड़ी समाप्त। प्रखंड में 96 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया, इसमें 1-5 के 41 एवं 6-8 में 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इसके लिए नियोजन इकाई ने अलग अलग जगहों का चयन किया था। 1-5 तक के लिए आदर्श मध्य विद्यालय मऊ बाजितपुर एवं कक्षा 6-8 तक के लिए प्रखंड मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिया गया। कक्षा 1-5 तक में संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव एवं प्रखंड मुख्यालय में, कक्षा 6-8 में प्रखंड प्रमुख रूबी कुमारी एवं BPRO सुमित कुमार चौधरी ने प्रमाण पत्र दिए। वहीं वीडियो प्रकृति नयनम BEO देवनाथ प्रसाद ठाकुर मॉनिटरिंग करते दिखे। BEO देवनाथ प्रसाद ठाकुर ने बताया कि चयनित दोनों स्थलों पर पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मौके पर BRC कुमार रंजन, मुखिया मुकेश कुमार, उप प्रमुख मृत्युंजय कुमार सहित अभ्यर्थी मौजूद थे। R9 भारत के लिए प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के पूरी टीम की तरफ से बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है और जितने अभ्यर्थी रहे हैं उन सभी के जो चॉइसेस हैं उन्हीं चॉइसेस में से सभी को दिया गया है कि उनको विद्यालय का आवंटन उसी तरीके से। कितना चॉइसेस रखा गया था सर? 3 चॉइसेस उन लोगों की तरफ से आए थे और ज़्यादातर लोगों को पहली प्राथमिकता दी गई है। इस तरीके से रोस्टर में दूसरी प्राथमिकता, अगर उस कैटेगरी को पहला प्राथमिकता बुक हो गया था तो दूसरी और तीसरी को देख करके सभी अभ्यर्थी जहाँ यहाँ अभी हैं, ये सभी अभ्यर्थी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से सभी को विद्यालय का आवंटन किया गया। कब तक विद्यालय में नियुक्ति जो है से नियुक्ति है? 30 दिनों से तक में इनके पास समय है, विद्यालय में नियुक्ति कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। और 6-8 में कुल 9 अभ्यर्थी थे जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। 1-5 में कुल 32 थे, जिसमें 1 उर्दू विषय के शिक्षक की नियुक्ति है और पूरी टीम ने हमारी बहुत अच्छी मेहनत की है। इस टीम में आप सभी लोग जान रहे हैं, अगल बगल में लोग रहते ही हैं, इन सभी टीम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी अच्छे से काम। कुल कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया गया है? अभ्यर्थी हो गए हैं 41 का चयन हुआ, चयन तो पहले ही हो गया था, 41 का नियुक्ति। थैंक यू सर। समस्तीपुर से रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। उच्च विद्यालय बलुआ रामपुरवा एवं मध्य विद्यालय मलाही टोला में SHO बेरिया दुष्यंत सिंह सर और रजिया तबस्सुम अध्यक्ष सरपंच महासंघ सदर अनुमंडली बेतिया के द्वारा छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह पर पेंटिंग प्रतियोगिता एवं यातायात के नियमों को बताया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि शराब बिहार में पूर्णतः वर्जित है और इसके सेवन से मनुष्य का चेतना खत्म हो जाता है। अध्यक्ष रजिया तबस्सुम ने कहा कि शराब के सेवन से नैतिक पतन के साथ फेफड़े समेत कई बीमारियों से मनुष्य हो जाता है। बाल विवाह से किशोरियों का शरीर विकसित नहीं होने के कारण इन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रथा के कारण लोग बच्चियों का भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इन सभी के बचाव के लिए आप बच्चों को आगे आना पड़ेगा। मौके पर बिहीप अध्यक्ष बल्लू मिश्रा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक शगीर अहमद, विद्यालय सचिव हरी शहनी समेत अभिभावक मौजूद रहे। मलाही मध्य विद्यालय में सर को DIG सर से प्रशस्ति पत्र मिलने और रजिया तबस्सुम को अध्यक्ष बनने पर शिक्षकों शुभचिंतकों द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आप सभी का आभार। लड़की के कोई सामान लड़की को दिया है? कब दिया?
शादी के बाद लड़की के घर के तरफ से जो भी सामान किसको दिया जाता, लड़की को या लड़का, लड़के के घर वाले को दिया जाता है, उसको दहेज कहते हैं। मान लीजिए लड़की आ रही है तो वो अपना कपड़ा वपड़ा तो लेके आएगी नहीं, लड़की अपने घर से अपने माँ के घर से अपने पति के घर जा रही है तो माँ उसको ऐसे ही थोड़े भेज देगी, कुछ कपड़ा लत्ता तो देगी ना कि बेटी तुम जा रही हो कुछ कपड़ा लत्ता हम खरीदे हैं तुम्हारे लिए कपड़ा ले जाओ, तो भी दहेज। हाँ कौन मानता है, लड़के वाले मानते हैं। दहेज क्या हुआ, शादी के समय लड़का पक्ष के द्वारा जबरन लड़की पक्ष से जो मांगा जाए वो दहेज है, ना कि लड़की कुछ भी लेके जाए वो सब दहेज नहीं है। समझ में आया, एकदम बच्चा ही आंसर दे दिया। लड़की यदि अपने से कुछ ले जा रही है, अपने शौक से ले जा रही है, अब लिपस्टिक लेके जा रही है ठीक है तो वो दहेज तो नहीं हुआ, नहीं। लेकिन लड़का वाला यदि कहे। R9 भारत के लिए बेतिया से अविनाश कुशवाहा की रिपोर्ट।